वेलकम टू सजीर भाई गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज का वीडियो का जो टॉपिक है, मेरे पास BS6 जावा मोटरसाइकिल आया था, उसमें हो क्या रहा था, जो चेक इंजन लाइट जल रहा था। अब चेक इंजन लाइट के कारण हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, OBD स्कैनर से हम लोग पता कर सकते हैं। जो हम लोग बाहर के मैकेनिक है, बाइक के मैकेनिक है, और जो जावा का शोरूम है, डीलर है, उसके पास तो महंगा टूल्स है, वो तो बेहतर हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जो है मैकेनिक है, बाहर का मैकेनिक, जावा मोटरसाइकिल अगर आपके पास आता है, कोई भी आपके अड़ोस पड़ोस में अगर कोई ख़रीदते हैं, तो बाई चांस आपके पास आते हैं, आपको सोचते हैं मैकेनिक अच्छा है, BS6 बाइक का काम काफ़ी सारे करता है, तो जावा बाइक को स्कैन आप लोग किस तरह से करें। क्योंकि मार्केट में अभी जावा बाइक के लिए केबिल आया नहीं है। मेरे पास जितना भी केबिल था सब कनेक्ट करके देखा, लेकिन उसका कपलर पर सेटिंग ही नहीं हो रहा है, तो हम लोग स्कैन किस तरह से करें। तो मैंने एक वीडियो बनाया है, उस बाइक को भी स्कैन किया है और बाइक को अपडेट भी किया था, क्योंकि उस बाइक में प्रॉब्लम हो रहा था, चेक इंजन लाइट आ रहा था और कस्टमर बोल रहा था जो मेरा इंजन जब ओवर हीट होता है तो फैन भी नहीं चलता है। तो गाइस, मैंने उस वीडियो में आपको दिखाया है जो चेक इंजन लाइट जब आते हैं तो स्कैन हम किया है। स्कैन करने के बाद किस तरह से आप लोग कोड को पहचाने, जो आपका कौन सा सेंसर ख़राब है, कौन सा सेंसर काम नहीं कर रहा है, मैंने किया है और बाइक को अपडेट भी करके बाइक को दिया है। तो चलिए वो वीडियो आप लोगों को दिखाता हूँ, फटाफट शुरू करता हूँ। स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर भाई गुरु चैनल में आने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सजीर भाई गुरु। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो सो गाइस, मेरे पास आया है जावा कंपनी का बाइक आया है और इसमें मालफंक्शन लाइट जल रहा है, जैसे कि चेक इंजन लाइट जल रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, इग्निशन ऑन करो। जैसे कि हम लोगों का चेक इंजन लाइट है गाइस, ये चेक इंजन लाइट आ रही है और हमको बता रही है कि बाइक में कोई हम लोगों का फॉल्ट है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे चेक इंजन लाइट क्यों आ रहा है और OBD स्कैन किस तरह से करें। बंद कर दो बाइक को। तो गाइस, काफ़ी सारे हमारे पास OBD का केबिल है, बट इस बाइक का केबिल मैचिंग नहीं हो रहा है। जैसे कि यूनिवर्सल केबिल है और KTM का है, TVS का है, और यहाँ हर तरह का बाइक का हम लोगों का केबिल है, कोई भी केबिल हम लोगों का कनेक्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है गाइस, मैं आपको बताता हूँ। इसका जो मेल फीमेल जैक है और बिल्कुल अलग है, कोई भी बाइक का केबिल का साथ मैचिंग नहीं खा रहा है। तो मैंने बहुत ही मेहनत करके मेरा जो डायरेक्ट OBD स्कैनर है, इसे हमने कनेक्ट किया। आप लोगों को बताऊंगा कौन सा केबिल का तार कहां में लगाना है, वो भी बताऊंगा। तो गाइस, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको बताते हैं। तो सो गाइस, छोटा सा हम डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम की मदद से आप लोग वायरिंग बना सकते हो। तो ऊपर देखिए 12 वोल्ट जो एक नंबर में आपको वहाँ देना पड़ेगा, अब वहाँ से 3 नंबर में आपको K लाइन लगाना पड़ेगा। अब इस बार आ जाइए, 3 नंबर पे L लाइन लगाना है, 4 नंबर या 5 नंबर में आपको बॉडी अर्थिंग ग्राउंड देना है, बस आपका वायरिंग बन जाएगा, ठीक है। तो गाइस, जावा कंपनी का जो हम लोगों का वोल्ट है, ये ऑरेंज में जो ब्लैक कलर की है, 12 वोल्ट की सप्लाई आएगा, तो आपको लगाना है कहाँ पर, इस कोने पर लगाना है, यहाँ से एक नंबर पर, ठीक है। अब बॉडी अर्थिंग जो है, ब्लैक कलर की वायर जो है, बॉडी ब्लैक कलर की वायर को आपको दे देना है, जैसे कि नीचे से 4 नंबर पिन पर या 5 नंबर पिन पर, दोनों बॉडी अर्थिंग है। अब सवाल है, हम लोगों का जो K लाइन है और L लाइन, वो हम लोगों को डिसाइड करना पड़ता है जो कौन सा है। तो गाइस, यहाँ देखिए 1, 2, 3 नंबर का जो हम लोगों का पिन है, ये हम लोगों का K लाइन है या L लाइन भी हो सकता है, और यहाँ से देखिए 3 नंबर, तो हम लोगों को उलट पलट करके देखना है हम लोगों का मल्टी, जैसे कि मीटर पे काम कर रहा है कि नहीं। तो मैंने कनेक्ट कर लिया है, यहाँ वोल्ट दिया, बॉडी अर्थिंग दिया और K लाइन और L लाइन हमने दिया है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं स्कैन करके, तब आपको पता चलेगा। ऑन करो, ब्लूटूथ तो ऑफ करते हैं और ब्लूटूथ पे जाते हैं। तो चलो ब्लूटूथ पे जाते हैं गाइस, और यहाँ देखिए पहले से हमारा स्कैन करा हुआ है, तो इसे हम फैड कर देते हैं अनफैड। अब यहाँ ब्लूटूथ आ रहा है, तो चलिए पासवर्ड डाल देते हैं फटाफट।
अब हम इसको कनेक्ट कर लिया, अब हम जाएंगे हम लोगों का टॉर्क एप्लीकेशन में। जब तक कांटा खड़ा नहीं हो जाता है हम लोगों का टॉर्क एप्लीकेशन काम नहीं करेगा, तो थोड़ा वेट करते हैं। काम कर लिया, अब हम लोगों का स्कैन काम करेगा। तो चलो फोल्ड कोस्ट पे मारते हैं गाइस। मारने के बाद बाइक को स्कैन करते हैं। तो गाइस यहाँ हम लोगों को बता रहा है इंजन कूलेंट टेम्परेचर सर्किट लो। पहला वाला जो है, जैसे कि एक थर्मल सेंसर होता है बाइक में, वो थर्मल सेंसर कहीं लूज हुआ है या कुछ हुआ है। तो चलो हम देखते हैं, कपलर को खोलते हैं। शायद तो मुझे ठीक लग रहा है, चलो अच्छी तरह से हम लोग लगा देता हूँ। बस ठीक है, तो मोबाइल दीजिए। अब गाइस क्या करेंगे, बाइक को हम लोग अभी डाटा क्लियर करेंगे, तभी इशू कंट्रोल यूनिट में जो प्रॉब्लम है हम लोगों का बता पाएंगे जो ठीक हुआ है कि नहीं। तो चलो क्लियर फोल्ड वन इश्यू। अब यहाँ पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद नीचे हम लोग का जो ओके बटन है, अगर ओके बटन को मारेंगे और यहाँ हम लोग का चेक इंजन लाइट है ये चल जाएगा। तो गाइस एकदम बंद हो चुकी है, चेक इंजन लाइट हम लोगों का बंद हो गया है। देखिए तो चेक इंजन लाइट हम लोगों को बता पाया जो ओबीडी स्कैनर। चल यहाँ लाइए। तो गाइस कभी कभी अपना नॉलेज अनुभव तजुर्बा भी बाइक पे लगाना है। जैसे कि कोई भी कंपनी ने जावा बाइक के लिए नहीं सोचा है जो जावा बाइक में कौन सा केबल हम लोग यूज करें। तो गाइस एक भी यूनिवर्सल हर कोई कंपनी का है, बट जावा बाइक के लिए कोई भी केबल नहीं है। तो आप लोगों को बताया जावा बाइक में भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं सिर्फ ब्लूटूथ स्कैनर की मदद से, और बाइक को अपडेट कर सकते हैं। तो गाइस यही था हमारा वीडियो छोटा सा बनाने का मकसद, जिसमें कि आप लोगों का काम आया। तो गाइस आप लोगों ने क्या देखा, जावा मोटरसाइकिल को हम लोग स्कैन कर सकते हैं अपने नॉलेज से, अपने दिमाग से, लेकिन अनुभव और तजुर्बा होना चाहिए। वो कैसे, मैंने आपको बताया 12 वोल्ट ग्राउंड के लाइन एल लाइन अगर आप हम लोग दे सकते हैं तो 100% कोई भी बाइक हम लोग स्कैन कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक का साथ रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं और आप लोगों को दिखाते रहता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।